हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं ए टेक चैनल। और भाई आज की जो वीडियो कुछ अलग है वो एक्चुअली इसको लेके है। ये मेरे PS4 का रिमोट है और इसकी जो ये जॉयस्टिक देख रहे हो ये है ना, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा था, जिस वजह से क्या हुआ इसके ऊपर है ना, इनके ऊपर एक रबर की लेयर होती है तो जिससे वो ग्रिप बनी रहती है इसको यूज़ करते टाइम। तो अब क्या किया मैंने, ये ना काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रहा था तो है ना वो ग्रिप है ना जो सॉरी रबर की जो कोटिंग थी वो ख़राब हो गई, जिस वजह से है ना वो मतलब मेल्ट सी हो गई थी। तो फिर मेरे को निकालनी पड़ी और मैंने निकाल कर गलती कर दी, क्योंकि अब इसको मैं अगर इसके साथ खेलता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ तो इस पर ना मेरी उंगली है ना फिसलती है, अंगूठे फिसलते हैं ऐसे। तो अब मैंने क्या किया फिर, इसके लिए मैंने ये दो न्यू मंगवा ली हैं जो स्टिक की जो पर ये है कैप है क्या है भगवान जाने। तो ये अमेज़ोन पे मैंने मंगवाई, 150 रुपये की दो आई हैं। आई डोंट नो, शायद हो सकता है कि लोकल मार्केट में और भी सस्ती मिलती हो, बट हमारे यहाँ लोकल मार्केट में ये सब आइटम मिलता नहीं है तो मेरे को ऑनलाइन ही ऑर्डर करनी पड़ती हैं ऐसी चीज़ें। तो भाई ये चीज़ें आज मैं इससे रिप्लेस करने वाला हूँ इन दोनों से। तो मैं बस ये क्या था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है, क्योंकि क्या पता किसी के काम ही आ जाए वीडियो। तो भाई मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ इसको पूरे, इसको इसमें ये चार स्क्रू दिए होते हैं। एक्चुअली मैंने पहले भी खोला हुआ है, इसमें है ना इसके अंदर जो एक पत्ता होता है वो ख़राब हो गया था, जिस वजह से ये स्टार्ट नहीं हो पाता था। तो मैं इसको फटाफट से ये चारों स्क्रू इसको रिमूव करता हूँ। तो मैंने इसके चारों स्क्रू है ना ये निकाल लिए इसमें से, और अब इसको बस हमें ऐसे ओपन कर लेना है। ये हो गया, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान से, कोई सामान निकल गिर ना जाए इसमें से। ये निकल गया। इसमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसमें ये है ना एक इसकी LED का रिबन वायर होती है, तो इसको हमको रिमूव कर लेनी है इस यहाँ से, और ये बैटरी बन डिस्कनेक्ट करनी है इसमें से। तो इसको हमें यहाँ से रिमूव कर लेनी है, ऐसे यहाँ पे जो दो लॉक होते हैं ये खुल जाते हैं, और ये यहाँ पे इसको रख देते हैं साइड में, और एक और यहाँ पे रिबन वायर दे रखी है यहाँ पे ये रही, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, ये ऐसी हो जाएगी, ये निकल गई रिबन वायर भी यहाँ से। अब इसमें एक स्क्रू दे रखा है, हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा ऐसे, ये आ गई, इसको हम साइड में रख देते हैं, और ये जो है ये मेन चीज़। और यहाँ पे इसके कंट्रोलर होते हैं, यहाँ पे इसको हम निकाल नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर ये मोटर जुड़ी हुई है, वाइब्रेशन मोटर होती है, तो इसको हम ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे ऐसे बस, और इसको हटा के ये वाली लगा देंगे इसके अंदर ऐसे। इसको भी निकाल लेते हैं, और ये भी हम ऐसे इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये जो रबड़ की ग्रिप होती है ना, सॉरी ये रबड़ की कोटिंग है जिसके ऊपर, ये ख़त्म हो गई थी इस पर, ये देखो ये जो डॉट इसमें है ना, देखो छेद से बने हुए हैं ना, ये पहले यहाँ पे ये थी ग्रिप थी इस पर। तो अब इसको हम वापस वैसे इसमें इंस्टॉल कर देंगे। अब इसको हम इसमें ठीक है, यू इंस्टॉल इसमें, और हमें एवरी क्रॉस चेक कर लेना है कि सारे बटन से इसे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ताकि बंद करने के बाद कोई दिक्कत ना आए इसमें। अब वापस हमें बैटरी इंस्टॉल करनी है इसके अंदर, लॉक हो गई इसकी वायरिंग हम यहाँ पे बाद में करेंगे, पहले ये वाली जो वायर इसकी रिबन वायर है LED वाली वो लगा देंगे इसके अंदर। ये लग गई इसके अंदर, ठीक है, और ये बैटरी की जो कनेक्टर है इसमें लगा देंगे वापस, ये लग गया, ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। ये देखिए ये ठीक है, एकदम परफेक्ट है। अब इसके हम वापस स्क्रू लगा देते हैं वापस,
तो ये लग गए हमारी सारी दोनों दोनों स्टिक, और ये काम भी कर रहा है ठीक है। बटन सारे से ही प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, कट इनमें से क्लिक की आवाज़ आ रही है ना, तो उसका मतलब ठीक है ही सब। तो ये हो गए हमारी चेंज, इनसे इनको हम रख देते हैं साइड। तो भाई अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। शेयर इसलिए करें, क्या पता किसी को, अगर ये कोई न्यू बंदा हो जिसको खोलना ना आता हो, उसको ओपन ना करना आता हो, उसको हेल्प मिल जाए कैसे चेंज करते हैं। मतलब क्या है कि चलो भले ये ना हो कि है ना भाई चेंज ना करना हो उसको, बट ये हो जाएगा कि हम इसको डिसेंबल कैसे करते हैं, इस चीज़ में हेल्प मिल जाएगी। तो शेयर ज़रूर करें ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।